नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने YouTube चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं लेकर आ गया हूँ SSC MTS का, जो आज आपके 20 अगस्त को पेपर हुआ है। तो इसके फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड शिफ्ट के यहाँ पे टोटल 56 क्वेश्चन जीके के हूबहू मिल चुके हैं। और सबसे पहले अपन बात करने वाले हैं प्रथम पारी के क्वेश्चन के, जो कि यहाँ पे 19 क्वेश्चन मिले हैं। उसके बाद देखेंगे सेकेंड शिफ्ट के 20 क्वेश्चन और लास्ट में थर्ड शिफ्ट के 17 क्वेश्चंस। और जो भी क्वेश्चंस बताऊंगा वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे, इस बात पर एक लाइक ज़रूर बनता है। तो प्रथम पारी का आपके सामने पहला क्वेश्चन, करो या मरो का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया था? तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में दिया गया था। कब दिया था? तो गांधी जी द्वारा ये नारा 1942 में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस की हुई बैठक का संबोधन करते वक्त यहाँ पर गांधी जी ने ये नारा दिया था। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे बारदोली का सत्याग्रह है ये किसके नेतृत्व में हुआ था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में ये सत्याग्रह हुआ था। कब हुआ था? तो दोस्तों ये वर्ष 1928 में गुजरात में हुआ था। एक प्रमुख किसान आंदोलन था। उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 30% की वृद्धि कर दी थी और पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया और ये सत्याग्रह इन्होंने किया, बारदोली का सत्याग्रह। और इस सत्याग्रह के सफल होने पर वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है तो इसको भी जरूर आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे निम्न में से कौन सी बीमारी जल जनित नहीं है? तो ये चार ऑप्शन दिए गए थे, इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके खचरा। जो मीजल्स हैं ये आपके जल जनित रोग नहीं है, बाकी हेजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस हैं, पोलियो, पेचिस हैं, अमीबियोसिस, रुग्णता, पीलिया, डायरिया, ये सभी आपके जल जनित रोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्रिएटिव सिटीज ऑफ नेटवर्क के तहत यूनेस्को द्वारा किस शहर को सिटी ऑफ म्यूजिक चुना गया है? तो यूनेस्को ने वाराणसी सिटी को सिटी ऑफ म्यूजिक चुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन है? तो वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जो कि प्रथम पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री हैं। इससे पहले वैसे दोस्तों प्रधानमंत्री रहते हुए इंदिरा गांधी ने 1970-71 के बीच में वित्त मंत्रालय अपने पास रखा, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है पूर्णकालिक की, तो निर्मला सीतारमण हो जाएगा। और दोस्तों प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री भी निर्मला सीतारमण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 1983 के क्रिकेट विश्व कप में भारत के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे 1983 के क्रिकेट विश्व कप के समय। आप कमेंट करके बताइए जो आपके 2011 में क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ था उस समय भारत के कप्तान कौन थे, जो कि भारत ने जीता था। और 1983 का भी यहाँ पे भारत ने जीता था, उपविजेता वेस्ट इंडीज रही थी और ये इंग्लैंड और वेल्स में होस्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भारत में कितने प्रतिशत जलोढ़ मृदा है? आई थिंक आपके ऑप्शन में 40% था और ये है दोस्तों 43% टोटल जलोढ़ मृदा है। नई जलोढ़ मृदा को खादर बोला जाता है और पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर बोला जाता है। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का अन्य नाम गद्दारी मिट्टी भी है और ये भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल 43% पर विस्तृत है। इसके अलावा जो लाल मिट्टी है वो 18% है, काली मिट्टी 15% है और लेटराइट मिट्टी है 3.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था आज़ाद हिंद फौज का गठन, रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे पादप में फ्लोएम ऊतक का क्या कार्य होता है? फ्लोएम है ये दोस्तों पादप में भोजन का संचरण करता है। तो पौधे की पत्तियों से भोजन को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य होता है फ्लोएम ऊतक का। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों, यदि आप SSC और रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो 2019 में, तो आपके लिए बेस्ट स्टडी मटेरियल रहेगा 2018-19 में पूछे गए SSC के ऑल एग्ज़ाम जो ऑफिशियल पेपर हैं। ये 6 पेपर हैं, आपको डिस्काउंट डील के तहत 60 रुपये में मिल रहे हैं। इसके अंतर्गत 10+2 2019, CGL 2019, SSC GD 2019, CPO 2019, MTS 2017 और 10+2 2018 के पेपर सम्मिलित हैं। इसके लिए यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेमेंट की लिंक है। पेमेंट होने के बाद यहाँ पर आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको तुरंत PDF फाइल है वो मिल जाएगी। इसी टाइप से रेलवे के पेपर भी अवेलेबल है, यहाँ पर आप देख सकते हो ये सभी 8 पेपर आपको 85 रुपये में मिल रहे हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यहाँ पर व्हाट्सएप करने पर आपको PDF मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के ऑथर कौन है? तो महात्मा गांधी हैं इस पुस्तक के ऑथर। ये इनकी आत्मकथा है जिसके अंतर्गत यहाँ पे उनकी लाइफ है 1921 तक, बचपन से लेकर 1921 तक उनकी लाइफ है, वो ऑटोबायोग्राफी के रूप में कवर की गई है इस पुस्तक में।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सी उपधातु नहीं है, ये चार ऑप्शन थे, तो इसमें कार्बन हो जाएगा, कार्बन उपधातु नहीं है। टोटल यहाँ पे उपधातु की बात करें तो बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलूरियम, पोलेनियम और एस्टेटाइन है, टोटल 8 उपधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 2019 विश्व कप में सबसे ज़्यादा शतक किसने लगे हैं, तो रोहित शर्मा ने 5 शतक जड़े थे और उसके बाद डेविड वार्नर ने 3 शतक लगाए हैं। रोहित शर्मा का यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर है 2019 के वर्ल्ड कप में, 648 रन बनाए हैं टोटल। अगला सवाल, यहाँ पे एक्टर प्रकाश राज 2019 में किस लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़े, तो यहाँ पर अभिनेता प्रकाश राज हैं, ये बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा क्षेत्र है, वहाँ से चुनाव लड़े, हालांकि ये हार गए थे, निर्दलीय सीट से चुनाव लड़े थे, 2.5% यहाँ पे इन्होंने वोट शेयर प्राप्त किया है। कृषि लोन से संबंधित कौन सी यहाँ पे संस्था है, तो कृषि लोन से संबंधित जो संस्था है उसका नाम है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नाबार्ड यहाँ पे शॉर्ट नाम है, इंग्लिश में बोले तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड। नाबार्ड का मुख्यालय बहुत बार पूछा जाता है मुंबई महाराष्ट्र में है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई है, इनके वर्तमान अध्यक्ष हैं डॉक्टर हर्ष कुमार बावला। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कोलार गोल्ड फील्ड माइंस पर आपका क्वेश्चन था, तो ये दोस्तों हैं कर्नाटक राज्य के कोलार जिले के अंतर हैं और इस जो माइन है गोल्ड कोलार गोल्ड फील्ड माइन है, इसको यहाँ पे ब्रिटिश लोगों ने लिटिल इंग्लैंड का भी नाम दिया था। अगला सवाल, यहाँ पे आचार संहिता कौन लागू करता है, तो चुनाव आयोग है ये आचार संहिता लागू करता है। डायलिसिस किससे संबंधित है, तो किडनी से संबंधित है, इसे हिंदी में अपहन बोला जाता है। इसका क्या कार्य है, तो ये रक्त शोधन की एक कृत्रिम विधि है। इस डायलिसिस की प्रक्रिया को तब अपनाया जाता है जब किसी व्यक्ति के वृक्क यानी गुर्दे सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, उस केस में यहाँ पे कृत्रिम विधि से डायलिसिस है ये अपनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित है, तो वहाँ पर ये ऑप्शन था विक्टोरिया मेमोरियल पश्चिम बंगाल, एकदम सही सुमेलित था, करेक्ट हो जाएगा विक्टोरिया मेमोरियल, ये कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्मारक है। अगला सवाल, यहाँ पे मंदिरों के निर्माण से संबंधित कौन सी शैली नहीं है, वहाँ पर आपके 4 ऑप्शन थे, तो यहाँ पर मेरे को ऑप्शन मालूम नहीं है कौन से थे, कौन सी शैली नहीं है, तो मैं बता देता हूँ कौन सी है। द्रविड था ऑप्शन आपकी, ये शैली है, नागर भी है, बेसर भी था, एक जो चौथा ऑप्शन था जो कि ये निंदर निर्माण की शैली नहीं है, और पगोड़ा भी मंदिर निर्माण की एक शैली है, और जो यहाँ पे बेसर शैली है ये नागर और द्रविड शैली का मिश्रित रूप है। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंटिन्यू कर रहे हैं सेकेंड सेट के क्वेश्चन। सेकेंड सेट का पहला क्वेश्चन, होम रूल लीग की स्थापना कब हुई थी, तो स्वराज्य की प्राप्ति के लिए तिलक, बाल गंगाधर तिलक ने 28 अप्रैल 1916 को होम रूल लीग की स्थापना की थी। इस लीग के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक और श्रीमती एनी बेसेंट। होम रूल लीग आंदोलन का उद्देश्य था ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन को प्राप्त करना इस लीग का प्रमुख उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल कौन सा है, तो हड़प्पा हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन स्थल है, और यहाँ पर दिसंबर 2014 में भिरडाना जो हरियाणा में पड़ता एक गांव है स्थल है, तो भिरडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है, तो सबसे प्राचीन नगर है भिरडाना। सबसे बड़ा जो स्थल है वो आपकी मोहनजोदड़ो है, सबसे छोटा है अल्लादीनो, और इसके काल की बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की, तो 3300 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक काल है, परिपक्व काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और इसकी खोज की थी राय बहादुर दयाराम सहानी ने, और इसकी पीडीएफ फाइल आज आपको 11 बजे तक टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। कोसी नदी का प्राचीन नाम पूछा है आपको, तो इसका प्राचीन नाम है कोशी की नदी। कोशी नदी का उद्गम स्थल नेपाल के सप्तकोशिकी में है, तो ये नेपाल हिमालय से निकलती है, और इसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है कोशी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे मंत्रिपरिषद का संबंध किस अनुच्छेद में है, तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में उल्लेख किया गया है, और अनुच्छेद 75 में उनकी नियुक्ति, कार्यकाल, जिम्मेदारी, शपथ योग्यता इनके बारे में उल्लेख किया गया है, तो ये 2 अनुच्छेद हैं 74 और 75। एक क्वेश्चन था अनब्रेकेबल एन ऑटोबायोग्राफी, ये किसकी आत्मकथा है, तो ये एमसी मैरीकॉम की आत्मकथा है। बहुत बार पूछा जाता है मैरीकॉम किस राज्य से बिलोंग करती है, तो मणिपुर राज्य से इनकी आत्मकथा का नाम है अनब्रेकेबल एन
ऑटोबायोग्राफी। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? तो मूल संविधान जब तैयार हुआ था आपके 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, उस वक्त यहाँ पर संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान संविधान में 448 अनुच्छेद हैं, 12 शेड्यूल हैं और 25 यहाँ पे पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है पिदुर थाल गला। क्या है? पिदुरु ताल गला है, जो कि यहाँ पे हाइट है 2524 मीटर है। और भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो कंचनजंगा है 8586 मीटर, जो K2 है वो आपकी POK में रहती है, इसलिए यहाँ पे भारत की है कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के प्रावधान अधिनियम कब पारित हुआ है? तो नागरिकता वाला ये अधिनियम है 1955 को पारित हुआ था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए भाग दो के अतिरिक्त यहाँ पे नागरिकता अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसे अंतिम बार 2011 और 15 में संशोधित भी किया गया था। वन्य जीव संरक्षण एक्ट कब पारित हुआ? तो ये 1972 में पारित हुआ था। और भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट एक्ट जहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है ये 1986 में पारित हुआ था। वायु प्रदूषण एंड नियंत्रण अधिनियम है ये 1981 में हुआ था। जल प्रदूषण और नियंत्रण अधिनियम 1974 में और 77 में। जैव विविधता संरक्षण जो अधिनियम है ये आपके 2002 में हुआ था। वन संरक्षण अधिनियम 1980, यहाँ पर दोस्तों ऊपर था वन्य जीव संरक्षण, तो ये तो 1972 में, वन्य जीव और वन संरक्षण दोनों अलग अलग हैं। यदि वन्य जीव पूछ ले तो आपके 1972 हो जाएगा, वन संरक्षण अधिनियम हो जाएगा 1980, राष्ट्रीय जल नीति ये है आपके 2002। तो ये सभी आपको याद में रखने हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन था, किस नृत्य में महिलाएं तोते के समान डांस करती है? तो इसका आंसर नहीं मिला है, यदि आपको मालूम है तो वह कौन सा नृत्य है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कौन सा उत्तर प्रदेश का नृत्य नहीं है? तो इसमें चार ऑप्शन नहीं मिले हैं, ये दो ऑप्शन थे, तो ये तो दोनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। तो नौटंकी, रासलीला, कजरी, झोरा, चापोली और जैता, ये उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। अगला सवाल, यहाँ पे बजट 2019-20 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस कार्यक्रम के तहत राष्ट्रीय खेल शिक्षा बोर्ड के गठन की घोषणा की है? तो खेलो इंडिया कार्यक्रम के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे भगिनी निवेदिता का मूल नाम, सिस्टर जो निवेदिता है इनका मूल नाम है मार्गरेट एलिजाबेथ नोबल है। ये एक अंग्रेज आयरिश सामाजिक कार्यकर्ता, लेखक, शिक्षक एवं स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय वायुसेना ऑफिसर जिन्हें परमवीर चक्र दिया गया है? तो निर्मल जीत सिंह सेको हैं। इन्होंने भारत पाकिस्तान युद्ध 1971 के दौरान पाकिस्तानी वायुसेना के हवाई हमले के खिलाफ, जो श्रीनगर में पाकिस्तानी वायुसेना ने हवाई हमला किया था, तो उसके खिलाफ ये बचाव में शहीद हो गए थे निर्मल जीत सिंह सेको, और इनके उपलक्ष्य में इनको मरणोपरांत है वो परमवीर चक्र दिया गया है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, 86th संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो दोस्तों मैंने आपको कल ही बताया था कि इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मैंने फैक्ट बताया था उसमें था ये क्वेश्चन, सेम यहाँ पे आज आ गया है। 86th संविधान संशोधन है ये दोस्तों, 6 से 14 वर्ष तक के आयु वर्ग के सभी बच्चों को राज्य द्वारा मौलिक अधिकार के रूप में प्राथमिक शिक्षा मुफ्त देने का प्रावधान है, जो कि ये विधेयक 12 दिसंबर 2002 को पारित हुआ था। और संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, अनुच्छेद कौन सा? तो 45 है आपका, संविधान संशोधन है 86, और ये क्वेश्चन आपके कल ही आया था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट कौन सा है? तो 2009 का। मोलस्का संघ के जीवों के मुख जो भोजन ग्रहण करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इनके मुख को बोला जाता है रेडुला। कौन सा ब्रायोफाइटा संघ का नहीं है? तो ये चार ऑप्शन दे रखे थे आपके, चारा था, मार्केशिया, रिक्सिया और फेनारिया, तो ये तो तीनों ही आपके ब्रायोफाइटा संघ के हैं, तो चारा है ये एल्गी का है, इसलिए ये आपके करेक्ट हो जाएगा। और भी यहाँ पे बात करें ब्रायोफाइटा संघ है, इसमें तीन प्रकार हैं, लीवर वॉर्ट्स, मॉस और हॉर्नवॉर्ट्स, जिसमें लीवर वॉर्ट्स के उदाहरण है मार्केशिया, रिक्सिया, पेलिया, पोरेला, हॉर्नवॉर्ट्स के उदाहरण है एंथोसेरोस, नोटोटहल्स, और मॉस का उदाहरण यहाँ पे स्फाग्नम, पोलिट्रिस्टम और फेनारिया। थेलोफाइटा के अंतर्गत बात करें, ये तो आपके ब्रायोफाइटा के हो गए, थेलोफाइटा के अंतर्गत कवक, शैवाल और लाइकेन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे लेटराइट मृदा में कौन से
जो पोषक तत्व हैं वो मौजूद होते हैं। लेटराइट मृदा में क्या मौजूद होता है? तो इस मिट्टी में लोहा, एल्यूमिनियम और चूना अधिक होता है। और जो गहरी लेटराइट मृदा होती है इसमें क्या होता है? लोहा ऑक्साइड और पोटास की मात्रा अधिक होती है। तो इसमें से जो भी आपके ऑप्शन में था वो करेक्ट हो जाएगा। लेटराइट मृदा कहाँ पर पाई जाती है? तो ये तमिलनाडु में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य में पाई जाती हैं। सर टॉमस रो और हॉकिन से ये किसके दरबार में आए थे भारत में? तो ये जहांगीर, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में आए थे टॉमस रो और हॉकिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पोर्टमैन ऑफ द ईयर 2019 का अवार्ड किसे दिया गया है? तो नोवाक जोकोविक्स को दिया गया है। ये नोवाक जोकोविच हैं, ये सर्बिया के खिलाड़ी हैं, टेनिस प्लेयर हैं। और 2018 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था रोजर फेडरर के, जो कि स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं थर्ड शिफ्ट में कौन से क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं। थर्ड शिफ्ट का पहला क्वेश्चन, इंडिया द फ्यूचर इज नाउ पुस्तक के ऑथर कौन है? तो शशि थरूर है इनके ऑथर। अगला सवाल, यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के कोच कौन है? तो इगोर स्टिमैक है। कप्तान की बात करें तो सुनील छेत्री हैं। इसी SSC MTS में आया था सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो ये फुटबॉल से हैं, और मैंने बताया भी था, और सेम क्वेश्चन इस टाइप से आ गया है। भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के यहाँ पे कोच का पूछा है, तो इगोर स्टिमैक है, कप्तान है सुनील छेत्री। लाहौर स्थित बादशाही मस्जिद किसने बनवाई? तो लाहौर स्थित बादशाही मस्जिद है ये दोस्तों 1673 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब ने बनवाई थी। तो औरंगजेब ने बनवाई है, ये लाहौर पाकिस्तान में है। मलाला यूसुफजई ने उससे पहले सबसे युवा नोबल प्राइज़ प्राप्त करने वाले कौन थे? तो सबसे युवा तो दोस्तों वैसे मलाला यूसुफजई है, इन्हें 2014 में शांति का नोबल मिला था। लेकिन इससे पहले कौन थे? तो सर विलियम लॉरेंस ब्रेग थे। इनको 25 वर्ष की आयु में फिजिक्स का नोबल पुरस्कार मिला था 1915 में। अगला सवाल यहाँ पे, बाघा नाच या फिर टाइगर डांस, तो बाघ नृत्य है ये किस हिंदू माह में किया जाता है? तो ये चैत्र माह में किया जाता है। कब किया जाता है? तो चैत्र माह में। और किस राज्य में किया जाता है? तो ये उड़ीसा राज्य में किया जाता है। इसका नाम बाघ नृत्य क्यों? क्योंकि दोस्तों इसमें जो पुरुष डांस करते हैं वो अपने शरीर पर टाइगर की पेंटिंग करते हुए डांस करते हैं। ऋग्वेद में लोग किस देवी की पूजा करते थे? तो यहाँ पर ऋग्वेद में उषा, सूर्या और अदिति जैसी देवियों का वर्णन किया गया है। आई थिंक उषा का ऑप्शन था जो कि करेक्ट हो जाएगा। खादर और बांगर मृदा को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जलोढ़ मृदा के ही प्रकार हैं, जिसमें नई जलोढ़ को खादर बोला जाता है और पुरानी जलोढ़ को बांगर बोला जाता है। चीड़ किस प्रकार का पादप है? तो चीड़ है आपके अनावर्त बीज यानी जिम्नोस्पर्म है, ये करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा ये कौनदारी है और आपके एवरग्रीन सदाबहार हैं। लोह पुरुष पूछा था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नगर पालिका किस अनुच्छेद में है? तो 243 के अंतर्गत है। और यहाँ पे बात करें संविधान संशोधन की, तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत इसको जोड़ा गया है। और कौन से भाग में है? तो 9A, यहाँ पर भाग जोड़ा गया है 9A के अंतर्गत है नगरपालिका का वर्णन। कौन से अनुच्छेद में है? तो ये तो हो गया आपके 243 है। और अनुसूची की बात करें तो इसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो ये बम्बई में की थी, 24 फरवरी 1919 को की थी। अगला सवाल, केपलर के ग्रहीय गति के नियम को और किस नाम से जाना जाता? तो केपलर ने तीन नियम दिए थे, सभी का यहाँ पे अलग अलग नाम है। केपलर का प्रथम नियम द लॉ ऑफ एलिप्स है, सेकंड नियम है द लॉ ऑफ इक्विल एरिया इन इक्विल टाइम, और जो थर्ड लॉ है वो है लॉ ऑफ हारमोनी। अगला सवाल यहाँ पे, आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए क्या ऑप्शन दे रखे थे इसके। पंचायती राज किस अनुसूची में है? लगभग प्रत्येक पारी में आपकी पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ये आपकी अनुसूची 11वीं है, नगर पालिका 12वीं में है, ये 11वीं अनुसूची में है। भाग इसका 9 है, पंचायती राज अनुच्छेद है 243, नगर पालिका भी यही है। संविधान संशोधन की बात करें तो ये 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है, नगर पालिका का है आपका 74वां संविधान संशोधन। पंचायती राज अधिनियम है ये 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से है, किस समिति की सिफारिश से? तो बलवंत राय मेहता समिति। इसमें कितने स्तर है? यहाँ पे 3 स्तर है। महिलाओं के लिए कितना रिजर्वेशन है? तो 1/3 रिजर्वेशन है। अगला सवाल यहाँ पे, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर आपको पूछा है। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के MD और CEO हैं अशोक कुमार प्रधान हैं, और इनका हेडक्वार्टर है कोलकाता में। बांग्लादेश में ब्राक नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो सुरमा। भारत में यहाँ पे जो राज्य है मणिपुर में इस नदी को ब्राक कहा जाता है, और बांग्लादेश में इसी नदी को सुरमा नाम से जानते हैं।
और ये नदी भारत के असम राज्य और बांग्लादेश की नदी है और मणिपुर की उत्तरी पर्वतमाला से ये नदी इसका उद्गम है। 1967 को किस भाषा को संविधान में जोड़ा गया है? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। मूल संविधान में जो 8वीं अनुसूची में भाषाएं रखी गई हैं, तो मूल संविधान के वक्त यहाँ पे 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वें संविधान संशोधन जो कि 1967 में हुआ था उसके दौरान 15वीं भाषा है ये सिंधी जोड़ी गई थी। फिर यहाँ पे 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, इसमें 3 भाषाएँ जोड़ी गई थी, कोंकणी, मिथई और नेपाली। यहाँ पे मणिपुरी भाषा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, तो टोटल यहाँ पे 15 और 3 18 हो गई। फिर यहाँ पे 92 जो संविधान संशोधन हुआ था 92 2003 में, इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई। तो यहाँ पर 18 और 4 कितनी है, टोटल अभी 22 भाषाएं हैं। बोडो, डोगरी, मिथिली और सांथिली जोड़ी गई थी आपकी, और वर्तमान यहाँ पे 22 भाषाएं हैं। और जो लास्ट क्वेश्चन है कि ऑक्टोपस किस संघ का प्राणी है, तो ये मोलस्का, कौन सा संघ है, मोलस्का संघ का प्राणी है ऑक्टोपस। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए। इससे जुड़े हुए और वीडियो देखने के लिए यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को क्लिक कर देना। बाकी इसकी PDF फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।